माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पर बोलने का आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, मैं जब यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा था तो मैं बैठ करके सुन रहा था, और मैं आज कई दिन से सुन रहा हूँ। हमारे इधर के साथी एक ही बात बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हम आपका ध्यान थोड़ा सा खाली बताएंगे कि उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। नहीं, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। वैसे ही आपसे ज्यादा अच्छा कोई बता भी नहीं सकता। आप काहे परेशान? माननीय अध्यक्ष जी, चिंता नहीं, चिंता नहीं हमें उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। शायद पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सदन में कहा था कि जो दिव्यांग सबसे देश में गरीब कमजोर समझा जाता है, जिसके पास किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, नकुला नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, उसके तरफ भी आपका, आप लोगों का ध्यान नहीं था। उसके तरफ जिसके पास हाथ मुंह नकुला था, पैर था, गोड़ था, उसको आप 300 रुपया पेंशन देते थे। जिसके पास हाथ पैर गोड़ हाथ मुंह नकुला था, उसको 500 देते थे। बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, 300 से बढ़ा के 500 किया, आज 1000 रुपया कर दिया। 1000 रुपया, ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात नहीं समझ में आएगा आपको। दूसरी चीज नहीं समझ लीजिए, काहे घबरा रहे हैं? हमारी मंत्री की चिंता आप मत करो, अपनी चिंता करो कि 27 में आप लोग कुछ लोग बचोगे कि नहीं बचोगे, इसकी चिंता आप करो, हमसे मत पूछो। मैं बार बार कहता हूं, हमारी चिंता मत करो। देखो जो मैं बता रहा हूं भैया, देखो आपकी भी सरकार थी, जरा अपना दिल पे हाथ रख के देखो। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अगर आपके आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुला। आप सांसद थे हमारे, पचपच के नेता, लेकिन याद नहीं आया। आप चले जाइए बहराइच, पार्क बना है, जाके देख भी लीजिएगा, कहीं कभी टहलते हुए जाइएगा। अगर तेल का पैसा दिक्कत हो तो हमसे ले लीजिएगा, जाके देखिए। महाराजा सुहेलदेव की भव्य मूर्ति बनी है, और पूरा पार्क बना, चित्तौड़ा झील का सौंदर्यीकरण हो गया, और आगे देखिए। और सुन तो सुनिए तो भाई, और आगे देखिए। ये लोग भाई देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जरा व्यवस्था दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी जरा व्यवस्था। इधर की सरकार नकल से, अवधेश जी सब लोग नकल रहित परीक्षा कराना चाहती थी, परीक्षा कराती थी। महापुरुष की सरकार नकल विहीन परीक्षा करा करके दिखा रही है, महापुरुष सबके जागरूक करके, महापुरुष सबके। ये काम तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, महिला यात्रियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, ये तो आपको नहीं। आधी आबादी पर चिंता कौन कर रहा है? उधर के लोग कर रहे हैं, इधर के लोग तो कुछ नहीं कहे। अब आगे देखिए ना, हम गिनाई दे रहे हैं सब। ये नहीं, आप सुनिए भाई। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप लोग भी आते होंगे, आजमगढ़ के, मऊ के, बलिया के, गाजीपुर के लोग आते हैं। आप सही काम का उसका, अब आपके नेता ने अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, भाई सुनो, देखो हम, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। आपके नेता अगर बोलने लगेंगे, ओम प्रकाश राजभर खड़ा होके एक एक सवाल पर बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, आपको, आप भी नहीं बोले, ये भी नहीं बोलेंगे, बुरा लगेगा तब आप। नहीं नहीं, आप भी नहीं, ये नहीं, भी नहीं, हम मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, हम तो कुछ कह नहीं रहे। आप बोलिए, सही बात है। अरे आप कहां वो पीछे उनके चक्कर में पड़े, आप बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज बोलिए। ये पीडीए बहुत चिल्ला रहे हैं, अभी हमारे साथी
आशीष पटेल जी बोल रहे मंत्री जी कौन कोई तो उनके ऊपर इशारा था हमारे माननीय संजय निषाद जी बोल रहे थे तो बड़ा इशारा था पीडीए पीडीए का काम तो इधर हो रहा है भाई। मैं इतिहास मैं देखिए मैं पढ़ा हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करूंगा कि जितना समय कांग्रेस को दिया उतना समय हमको भी दीजिए। नहीं हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। नहीं सबको देना है आप, नहीं आप, हमारी बात मान्यवर पूरा हो जाए। नहीं आप खत्म नहीं बात आई है पीडीए किस नाते मैं कह रहा हूँ। नहीं संसदीय आप अपनी बात सीधा करिए। आप इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। सपा सरकार ने सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग विभाग को औसतन 1300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए बजट देते रहे और इधर होता क्या था कि 15 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे। इधर क्या हुआ है जस्ट दुगुना 2400 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष रुपया देकर 7 वर्षों में औसतन 25 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है। ये काम इधर हो रहा है और आप पीडीए की बात कर रहे हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं जब आपके पास पावर था पिछड़ों को हक देने की बात तब आपको याद नहीं आई। प्रकाश राजभर जी का आज आप बात कर रहे हैं लोगों को हमारे सिक्योरिटी वाले दीजिए उधर से सिक्योरिटी वाले जाके ले फोन माननीय आप चुप रहिए आपने नहीं व्यवस्था करनी प्लीज। मैं आपका ध्यान फोन लेने पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए जो स्कीम पहले से चल रही है कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना सपा की सरकार ने 5 वर्षों में लगभग 23,000 युवाओं को लाभान्वित किया गया जबकि वर्तमान सरकार केवल इस वर्ष 23,000 से अधिक पिछड़े वर्ग के युवाओं को इस योजना में लाभान्वित करने का काम किया है एक साल के अंदर। आप किस पिछड़े की बात करते हैं इधर तो काम हो रहा है इधर तो बात हो रही है खाली। आपको मौका था आपने किया होता काम तो मैं तो समझता हूं कि उधर होते। आपने काम नहीं किया इस नाते उधर वो लोग हैं आप इधर परेशान हो कि ओम प्रकाश राजभर चिंता ओम प्रकाश राजभर की क्यों सता रही है वो मुझे मालूम है चिंता जो सता रही है हमारे वकील साहब ने अंदर की बात आप ही को मालूम है। अच्छे ने अच्छा मान्यवर अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। धन्यवाद 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 मैं और मान्यवर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद कराऊं। 12 मिनट वो अनुचित होगा मैं किसको कितना समय दूं ये मेरा क्षेत्राधिकार है। मैं अगर आपका माइक बंद कराऊंगा तो आपको अच्छा नहीं बड़ी पार्टी हमें मानिए नहीं वो मैं आप ये मैं तय करूंगा कौन कितना बोलेगा प्लीज। कांग्रेस से बड़ी पार्टी नहीं मैं इस बात का अनुमति नहीं दे रहा। अगर आप आरोप लगा रहे मैं इस बात का अनुमति नहीं उमाशंकर आई विल नॉट अलाउड नो माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात तो पूरी कर ले नहीं वो उनको टाइम हो गया मैडम बात पूरी कर ले अब इस बात को पूरी कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी जब हम लोग एक सुझाव हमारा है महामहिम राज्यपाल के जो अभिभाषण में हमने देखा कि जो सामाजिक न्याय की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गठित किया है राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी उसकी रिपोर्ट भी 7, 9, 11 जो हक पिछड़ों का 27% का लूटा जा रहा था उसको देने के लिए जो आपने टीम बनाई है जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की रिपोर्ट जो आई है 7, 9, 11 में बांटने के लिए कभी समाजवादी पार्टी ने कभी सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कभी नहीं किया समाजवादियों ने और कभी आपने माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में रोहिणी आयोग का गठन किया है 27% आरक्षण को पूरे देश में बांटकर देने के लिए कभी आपके जेहन में नहीं आता है। आप इधर बैठे हो चर्चा करते मैं सुनता हूं लेकिन धरातल पे क्या समस्या है गोंड और खरवार का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है कहीं कहीं तहसीलों में दिक्कत है उसकी चिंता तो आपको नहीं है। चिंता अगर है तो इधर के लोगों को है वो चिंता करके उसको आदेश देने का काम हो रहा है 4 आदेश के बनने जा रहा है और चिंता ओम प्रकाश राजभर को है माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और भर राजभर
भाई देखो आपको पीड़ा होगी जब आप बोलेंगे ना माननीय नेता जी, आप बोलो, आप ओम प्रकाश जी बुरा लगेगा भैया, आप बोलिए ओम प्रकाश जी, आप बोलिए। इस नाते माननीय अध्यक्ष जी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं धरातल पे कुछ बचा नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, धरातल पे कुछ बचा नहीं है। 24 में फाइनल हो जाएगा, 24 में फाइनल हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी एक निवेदन और है, एक जाति है बंजारा, बंजारा पूरे विभिन्न प्रदेशों में एसटी में और एससी में आते हैं, और उत्तर प्रदेश में 1931 की जातिवाद जनगणना में इनका गिनती नहीं हुआ था। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो बंजारा जाति के लोग रहते हैं उनकी ख्वाहिश है कि हम जब विभिन्न प्रदेशों में एसटी में आते हैं तो हमको उत्तर प्रदेश में भी एसटी में शामिल किया जाए, उनकी डिमांड है। जैसा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कार्रवाई में लगे हैं तो उसको थोड़ा तेजी में हो जाए ताकि उनको भी न्याय मिले। मान्यवर, और मान्यवर मैं तो बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा हो गई, उधर के लिए भी और इधर के लिए। आप लोग भी अगर बीमार होइएगा तो चले जाइएगा। नहीं, धन्यवाद। हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।